अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक ये देखिए, है ना मजेदार। क्या आपके गोलगप्पे भी फूले फूले और क्रिस्प नहीं बनते या बाद में पूरी जैसे नर्म हो जाते हैं? तो आज मैं आपके लिए बताऊंगी कि हम घर पर ही कैसे आसानी से फूले फूले गोलगप्पे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी पकवान। तो गोलगप्पे बनाने के लिए लिया है मैंने एक बर्तन, उसमें मैंने डाला है 1 कप आटा। ये नॉर्मल आटा है जिसे हम रोटी या चपाती बनाते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 4 चम्मच सूजी, ये मोटी वाली सूजी है, तो ये 3रा चम्मच और ये 4था चम्मच। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैंने मिक्स कर लिया है, मेरे हाथ जो है क्लीन है और मैं अपने हाथों की सहायता से इसका आटा तैयार करूंगी। तो हमें इसका आटा पूड़ी के आटे जैसे लगाना है, बहुत ज़्यादा गीला आटा हमें नहीं चाहिए। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें और एक इसका सख्त आटा तैयार करें। सारा आटा इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सारा आटा जो है इकट्ठा कर लिया है, लगभग इतना देखिए, और इतना ही सख्त हमें आटा लगाना है। तो आटा मैंने लगा लिया है, अब इसकी एक बॉल जैसी बनाएंगे और उसको रख देंगे 1/2 घंटे के लिए, जिससे आटा जो है हमारा सेट हो जाए और सूजी फूल जाए अच्छे से। तो 1/2 घंटा हो गया है, आटा जो है हमारा सेट हो गया है अच्छे से, सूजी जो है उसने पानी को पी लिया है और अब हमें इसे मसल मसल के चिकना करना है। तो हमें इसे तब तक चिकना करना है जब तक ये अच्छे से चिकना ना हो जाए, जैसे रोटी चपाती के लिए हमें आटा चाहिए होता है वैसे ही चिकना हो जाए। तो देखिए ये बिल्कुल चिकना हो गया है। अब मैं इसकी 3 बॉल तोड़ लूँगी, यानी पेड़े। जितना हम रोटी बेलने के लिए लगभग 1 पेड़ा लेते हैं, उतना ही बड़ा हमें पेड़ा चाहिए। इसको ढक के रखेंगे और इधर मैंने बिछा लिया है एक गीला कपड़ा जिस पे हम अपने पानी पूरी डालेंगे, यानी गोलगप्पा। तो मैं लेती हूँ यहाँ ये चकला बेलन और मैंने एक पेड़ा लिया है और इसकी हमें गोलगप्पे बनाने हैं। तो हमें रोटी की तरह सबसे पहले इस पेड़े को बेल लेना है। तो जितना पतला हमें रोटी को रखते हैं उतना ही पतला हमें इस पेड़े को रखना है, बहुत ज़्यादा पतला हमें नहीं करना है। यदि हम बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो हमारे जो गोलगप्पे हैं यानी पानी पूरी वो फूलेंगी नहीं। तो देखिए अब मैंने ली है एक छोटी सी कटोरी जिससे मैं इसे कट कर रही हूँ। आप चाहे तो छोटा कोई ग्लास ले सकते हैं या ढक्कन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुकीज़ कटर आते हैं तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से मैं सारे बतासों को कट कर लूँगी। ये देखिए जो आटा एक्स्ट्रा बचेगा उसके हम दोबारा से बतासे यानी पानी पूरी बना लेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई भी जो जो हमारी पानी पूरी यानी बतासा मोटा है तो उसको हम इस तरह से पतला कर देंगे। देखिए और जितने भी हमने बतासे पानी पूरी या फिर गोलगप्पे कह लीजिए उन्हें बेला है, उसे जो गीला कपड़ा है हमारा उस पर हम बिछा देंगे। ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा गीला कपड़ा हमें नहीं लेना है। इसी तरह से हम सारे गोलगप्पे बना के और बिछा देंगे और इनको अच्छे से कवर कर देंगे जिससे ये कड़े ना हो,
तो अच्छे से इन्हें कवर करना बहुत ज़रूरी है, वरना इनके ऊपर पपड़ी बन जाएगी। तो सारे जो गोलगप्पे हैं बनाने के बाद इनको हम तलते हैं। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें तेल लिया है, वो अच्छे से मैंने गर्म कर लिया है और अपने दो दो करके ये मैं पानी पूरी इसमें डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कैसे फूल के एकदम से गोल हो गए हैं ये, तो देखिए कैसे फूल गए हैं ये। इसी तरह से उलट पुलट के हमें इनको सेकना है। हल्का सा आप दबाएंगे वैसे ही ये फूल जाएंगे। बस हमें याद इतना रखना है कि जो तेल है हमें अच्छा गर्म चाहिए, इसके लिए ठंडे तेल का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, वरना हमारी जो पानी पूरी है यानी गोलगप्पे नहीं फूलेंगे, उनका पापड़ी बन जाएगी। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ये देखिए फिर से मैंने डाला, थोड़ा सा इसको बस दबाएंगे और ये अपने आप फूल जाएंगे। अगर थोड़ा सा आप इन बातों का ध्यान रखें तो आपके सारे गोलगप्पे फूलेंगे इस तरह से। इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे तेल भी डाल सकते हैं आप, या फिर पलट के सेक लीजिए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, इनको निकाल लेते हैं। तो एक बार मैं और दिखाती हूँ आपको, ये देखिए डालते ही ये फूल जाते हैं। बस थोड़ा सा इसको कशी लगाइए, ये देखिए बस फूल गया, थोड़ा सा अंदर दबाइए, ये कैसे फूल गए हैं। पलट दीजिए या फिर थोड़ा थोड़ा इधर ऊपर ऐसे तेल डालिए, तो अगर आप तेल डालेंगे तब भी चलता है और ऐसे पलट देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ऐसे तेल डालिए इसके ऊपर आप, तो देखा कितना आसान है इन्हें बनाना। तो बाहर का क्यों खाना है जब घर में ही हम इसे आसानी से बना सकते हैं। तो आपको आज का वीडियो मेरा कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो इसी तरह से गोलगप्पे बनाइए, सारे गोलगप्पे हम इसी तरह से तैयार करेंगे। तो सारे गोलगप्पे मेरे बन गए हैं ये देखिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।